नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज टैक्स इवेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो टैक्स प्लानिंग का भी हो चुका है और टैक्स अवॉइडेंस का भी हो चुका है, अब टैक्स इवेशन के बारे में बताने वाले हूँ और इसके बाद वाला वीडियो टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस, ये तीनों का कंपैरिजन होगा ताकि आप लोग बहुत क्लियरली समझ पाए और इस चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। तो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ये पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये कि इट्स इलीगल है, इमोरल है और गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। कोई भी इलीगल तरीके से अगर हम लोग टैक्स बचाते हैं वो टैक्स इवेशन है। दूसरी बात ये कि टैक्स इवेशन करने के लिए ना हमको फ्रॉडुलेंट टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे, हम लोग को बहुत गड़बड़ी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि कोई 12.5% का बना हुआ कपड़ा है, 12.5% जीएसटी है किसी प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल कपड़े का रेट 12.5% है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेकिन जो नहीं बना हुआ कपड़ा रहता है, जो रेडीमेड नहीं रहता, उसमें खाली 5% है। तो आपने क्या कर दिया, बने हुए कपड़े को अगर आपने सेल किया और उसमें क्या दिखा दिया कि वो बिना बना हुआ कपड़ा है, वो अनस्टिच्ड कपड़ा है और उस पर 5% का टैक्स अगर आपने किया तो आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की और 7.5% का सीधा सीधा एडिशनल टैक्स आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये, क्योंकि ये अनलॉफुल अटेम्प्ट है, तो अनलॉफुल अटेम्प्ट है इसीलिए इसके रिपरकेशंस और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आपको पूरे क्रिमिनल ऑफेंस जैसा फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग इलीगल हो जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर बाकी जो लॉ के सेक्शंस हैं जो हमको परेशान कर सकते हैं एप्लीकेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि टैक्स इवेशन नेगेटिव थॉट है और हमेशा आपको किसी भी तरीके से गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो नेगेटिव थॉट है टैक्स इवेशन, इसीलिए इसको अनलॉफुल माना गया है। कहीं पर भी अगर हमको लगता है कि यार, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सेल्स टैक्स जब हुआ करता था तो काफ़ी सारे लोगों को हमने सुना है कि वो अगर 100 करोड़ का टर्नओवर रहता है तो वहाँ पे 1 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने दिखा दिया और 1 करोड़ के टर्नओवर पे टैक्स दे दिया, अपना वैट दे दिया या फिर उन्होंने सेल टैक्स दे दिया और बाकी जो 99 करोड़ है उसका टैक्स और वैट वो खा गए। कहीं पे डिपार्टमेंट में उन्होंने कुछ मैनेजमेंट किया और ये वाला बहुत बड़ा उन लोगों ने चोरी करने में सफल हो गया, या फिर डिपार्टमेंट में उन्होंने मैनेज नहीं भी किया और ये काम गलत कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट कर दिए। इस केस में भी पूरा मामला गड़बड़ है, अपना सोच भी गलत है, अपना काम भी गलत है, हर चीज़ इलीगल हो जाता। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो टैक्स इवेशन करते हैं ना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी लोग छुपाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि भाई टर्नओवर ज़्यादा है जिसके कारण प्रॉफिट बढ़ रही है और आपने कहीं पे कुछ बिली गायब कर दिए, तो फिर ये सीधा सीधा अपने डॉक्यूमेंट हटाया या फिर डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस किया। अगर 1 करोड़ को आपने 1 करोड़ कर दिया, 10 अगर आपने 1 करोड़ को 10 लाख कर दिया 10 गायब करके, तो भी ये गलत है। किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट को भी मोल्ड कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन मोल्ड कर दिया सिर्फ इसलिए कि टैक्स बचे, तो ये टैक्स इवेशन है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड रखते ही नहीं है ताकि टैक्स को हम लोग सप्रेस कर पाए। हम लोग जहां जहां इनकम होने की संभावना है उसको दबा दिए, जहां जहां पे एक्सपेंसेस है उसको कहीं दूसरे का भी लाकर अपन अपने में शो कर दिए, खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस है उसको भी दिखा दिए। इस तरीके से हम लोग कैसे भी डॉक्यूमेंट अपनी सुविधा से कुछ चीजें नहीं रखे और कुछ चीजें ज्यादा रख लिए और उसी का हम लोग अकाउंट बना के कर लिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिलिंग की व्यवस्था करके अपना टैक्स क्रेडिट को बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब है जो टैक्स का क्रेडिट मिलता है, जैसे जीएसटी आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट कर दिया उसका क्रेडिट लेंगे, वहां तक सही है। पेमेंट नहीं किया, खाली बिल में आपने शो कर दिया और उसका क्रेडिट ले लिया, वो गलत है। तो कुल मिलाकर ये मामला ही गड़बड़ है। तो आपने कहीं पे टैक्स 100 रुपए लेना था, क्रेडिट आपने 1000 ले लिया, तो भी गलत है। बिल अगर गलत है और उस पर गलत टैक्स ले लिया क्रेडिट में, तो वो भी गलत है। तो किसी भी तरीके से अगर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्री गड़बड़ी कर रहे हैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, तो वहां पे गड़बड़ है। तो दोस्तों आपने समझा कि ये जो टैक्स इवेशन है ये पूरा गलत है, इलीगल है, इमोरल है, इसमें इसमें सोच भी गड़बड़ है, इसमें हम लोग सारे गलत काम कर जाते हैं, पर्सनल को एक्सपेंसेस को बिजनेस में दिखा देते हैं, खर्चे को कैसे भी बढ़ा लेते हैं और टैक्स को किसी भी तरीके से कम करना है, ये पूरा जो सर्कल है ये पूरा गड़बड़ कर देता है। इवेशन वर्ड जहां पर आया तो वहां पे हम लोग क्रिमिनल हो जाते हैं, ये वाला काम करना नहीं है। इसीलिए मुझे जरूरी था कि मैं आपको बताऊं कि कब इवेशन हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे उस समय जिस समय टैक्स पे करना है उस समय हम लोग थोड़ा सा बचत करने के लिए कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और बहुत परेशानी होती है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट की और जब किसी और विभाग के लेटर आते हैं ना, तो हालत खराब हो जाती है। तो वो हालत खराब ना हो,
कोई भी सजेशन आपको चाहिए नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। अगला वीडियो टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस का कंपैरिजन है, ताकि आप और अच्छे से समझ पाए कैसे हम लोग को बिहेव करना चाहिए अपने बिजनेस और टैक्स के बारे में। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, आपको पता है मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आपका दिन जबरदस्त शुभ हो।